आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है आपका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इससे संबंधित आपके सीटेट के जो सेकंड पेपर है साइंस के पोर्शन में कई बार इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिरोध से संबंधित, तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो आपका प्रश्न आपने मुझे भेजा था उस दिन श्रेणी क्रम और समांतर जरा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं खाऊंगी, आप उसको जरा सा माइंड मेकअप कर लीजिए। तो आपने जो प्रश्न किया था कि श्रेणी और समांतर क्रम में जो प्रतिरोधक आपके होते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वो आप फॉर्मूला जनरली जानते हैं कि जब आपका कोई चीज़ यहाँ पे श्रेणी क्रम में, मतलब एक श्रेणी में, एक ही श्रेणी में, तो इसको कहेंगे श्रेणी क्रम। और यहाँ जो फॉर्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर यही समांतर हो, मतलब एक प्रतिरोध इसमें, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध, फिर चौथा प्रतिरोध, तो जैसे आपका R1 R2 था, अब यहाँ R1 R2, तो यही जो तुल्य प्रतिरोध होगा वन अपान R इज इक्वल टू वन अपान R1 प्लस वन अपान R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आप करेंगे। तो यहाँ आपको पता है एक की होती है कुंजी, यहाँ पे आपका अमीटर लगा होता है और इस प्रकार से यहाँ पे धारा संचालित होती है। तो ये आपका दो फॉर्मूला था जिसको डिस्कस करने की यहाँ मुझे ज़रूरत लगी। ठीक है, आप जानते हैं ये फॉर्मूला, लेकिन हमें जब ध्यान देना है उस बात पे कि ये जो प्रतिरोध है वो है क्या, तो इसको तो आप समझ ले रहे हैं लेकिन प्रतिरोध आप क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध को अगर आपको याद करना है तो ओम्स लॉ आपको याद होगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, V अपान I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो आपका वोल्टेज होता है और आपकी करंट होती है, धारा होती है, उनका जो आपका रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है, हमेशा नियतांक। इसी नियतांक को क्या कहते हैं, R या प्रतिरोध। ठीक है, ये आपका क्या कॉन्सेप्ट है, प्रतिरोध का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कैसे करना है, तो हम ऐसे करते हैं V अपान I इज इक्वल टू R, तो आप इसको लिख सकते हैं, स्मॉल I अक्सर दिखाते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर। ऐसे इससे संबंधित भी आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसमें या तो धारा दिया रहेगा रेजिस्टेंस तो I पूछ लिया, या I और V दिया है R पूछ लिया, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता। अगर फॉर्मूला देखें हम इसके मात्रक की बात करें तो V अपान आई मतलब वोल्टेज अपान एम्पियर, ये इसका क्या हो गया, इसका अनुपात हो गया। इसको ही कहते हैं क्योंकि ओम ने ये नियम दिया, तो रेजिस्टेंस जो फाउंड हुआ ओम के नियम से हुआ, तो इसको ओम भी बोलते हैं और इसका सिंबल आपका ऐसा होता है, ये भी आप जानते हैं। इसके अलावा जो मुझे इसमें बताने की ज़रूरत लग रही है आपको कि ये कैसी राशि है, तो ये एक अदिश या स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि ये होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने देखी। ठीक है, इसके अलावा और हमें जो एक फॉर्मूला याद करना है, यहाँ पे आपका R इज इक्वल टू रो यल बाई ए, ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम बता देंगे कि क्या करने पे, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है और ये आपका प्रतिरोध है, ये आपकी लंबाई, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया। तो यहाँ आप समझिए कि जो R होता है प्रतिरोध, नाम से समझिएगा, प्रतिरोध मतलब किसी चीज़ का अवरोध करे। तो इस फॉर्मूले से देखें तो क्या बढ़ाएंगे कि क्या कम होगा, तो अगर आप R बढ़ाएंगे तो मेरा टोटल मान बढ़ेगा। देखिए ध्यान से, V प्रोपोर्शनल टू I है ना। अब देखिए अगर आप R बढ़ा रहे हैं तो आपका टोटल बढ़ रहा है, तो या तो ये बढ़ेगा या तो ये घटेगा, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये घटेगा ना, मतलब आप जितना प्रतिरोध बढ़ाएंगे ये धारा क्या होगी, कम होगी। तो प्रतिरोध को जब डिफाइन किया जाता है तो इसी परिप्रेक्ष्य में कि जो आपका किसी जो वायर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है, जो धारा बह रही है, उसका जो अवरोध करता है, अब अवरोध क्यों करता है, उसके संतुलन के लिए, कि किसी भी मैनर में बह जा रही है तो उसको एक मैनर में संतुलित रूप से बहने के लिए जो प्रतिरोध कार्य करता है उसे यहाँ पे दिखाया गया। अब ये कैसे वैरी करता है, तो अगर किसी तार की लंबाई
बढ़ा देंगे तो क्या होगा? आर बढ़ जाएगा। तो आर बढ़ेगा तो क्या क्या किस पे प्रतिरोध करेगा? आपकी आई पे ना। दूसरा टर्म यहां ए से देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए। तो अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो ये तो घटेगा, और क्षेत्रफल आप घटाएंगे तो टोटल क्वांटिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो ये इस पे भी डिपेंड होता है। और यहां पे हमें आर देखे तो जो पदार्थ आपने यूज किया है वायर में, उस पे भी क्या होता है? प्रतिरोध का प्रभाव, मतलब उसके पदार्थ के अनुरूप भी प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका सुचालक या कुचालक है पदार्थ, तो क्या प्रतिरोध हमेशा इंक्रीज करता है, और अगर अर्धचालक है तो डिक्रीज करता है। तो बहुत सारे इसमें कंडीशन है जो आपको पढ़ना है। ये मैंने जनरली इंट्रो दिया आपको, जो आपका सोल्यूशन था। यहाँ हमारा क्या क्वेश्चन था कि श्रेणी क्रम में होगा, यहाँ पे की कर दिया मैंने, यहाँ वोल्टामीटर लगा दिया, यहाँ पे अमीटर लगा दिया, और ये क्या किया? अगर एक ही श्रेणी में, मतलब एक ही वायर से सब जुड़े हों, बीच में कोई पॉइंट नहीं हो, तो उसको श्रेणी क्रम कहेंगे। तो आपका जो दिया होगा R1 R2, अगर आपको तुल्य प्रतिरोध दिया, मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध 10 है और दो आर जुड़े, तो एक आर दिया आपका 5, तो 6, तो दूसरा आर क्या होगा? 10 माइनस 6 ओम, तो ये क्या हो गया आपका? 4 ओम। यहाँ वही चीज़ देखें, तो दो आर आपका दिया है, ठीक है, मान लीजिए दो आर आपका 6 और 4 दिया है, तो 6 और 4 क्या करेंगे? 1/r = 1/6 + 1/4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो 1/r निकलेगा। फिर आप r क्या करेंगे? उसका उल्टा कर देंगे, वहाँ उतना ओम आ जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। अगर इसमें और भी जो प्रश्न आने की संभावना है, आपने पूछा किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न ये भी आता है कि यहाँ पे आप r जान ही रहे हैं, अगर वोल्टेज दे दिया तो टोटल आपने r निकाल लिया, वोल्टेज दे दिया तो आई पूछा, तो इस फॉर्मूले से आप आई निकाल सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया तो इस फॉर्मूले से, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लंबाई दे दिया तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ आपके जनरल फॉर्मूले हैं प्रतिरोध से संबंधित, आपके रेजिस्टेंस से संबंधित, और जिसको आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता है।